अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, आप सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? मैं नमसा है, मैं उमर, आप देख रहे हैं जिसको रिएक्शन चैनल। सबसे पहले बोलना चाहूंगी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, शेयर कीजिए प्लीज, प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि जिनको नहीं पता, मैं उनको बताना चाहती हूं कि हमारा 320K वाला चैनल वो रिमूव हो चुका है, तो उसपे कुछ स्ट्राइक्स की वजह से वो कुछ ऐसा हो गया था, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दुख है इसका। लेकिन प्लीज इस चैनल को हमने न्यू स्टार्ट किया है, एक न्यू स्टार्ट है, इसमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। जब हमने जिसको स्टार्ट किया था आपने बहुत सपोर्ट दिखाया था तब भी, और अभी भी हमें उम्मीद है आप लोग सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा दिखाएंगे। तो प्लीज जो लोग देख रहे हैं वीडियो शेयर कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो का नाम है विराट कोहली ठग लाइफ, तो हम देखने वाले बहुत ज्यादा मजा आएगा विराट कोहली की वीडियो देखना। प्लीज वीडियो को हमारे साथ एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आया इसलिए हूँ, मैं आया तुम्हारा पिछला एपिसोड देख के हूँ, मुझे इंस्पिरेशन ही पिछले एपिसोड से मिली। जब तक मैंने नेहरा जी का एपिसोड नहीं देखा था मेरा मन नहीं था। अच्छा, लोगों को पता भी नहीं है कि he doesn't try to be funny, but yeah, he is. That's what we love about. दांत देनी पड़ेगी उनकी, 12 ऑपरेशन करा के भी, मतलब क्या देनी पड़ेगी? दांत देनी पड़ेगी, दांत नहीं। मजा आया। तो आ गए, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ल्ड के फाइनेस्ट क्रिकेटर एंड वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली के थग लाइफ मोमेंट एंड फनी मोमेंट। तो फर्स्ट क्लिप है एक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पे रिपोर्टर ने कोहली सर से पूछा कि आपके आज के पारी में पेशेंस नहीं दिखा। तो इस पर कोहली सर का रिप्लाई कुछ ऐसा था, डिड नॉट शो द कंपोजर प्रोबब्ली यू वुड हैव डिजायर्ड। आई थिंक एवरीवन डिजायर्स कंपोजर, नॉट जस्ट मी बट द प्लेयर्स एज वेल इंडिविजुअली, and everyone wants to go out there and do well. No one goes out there to throw their wicket away or get out. अगली क्लिप भी एक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पे रिपोर्टर ने कोहली सर से पूछा कि आपको नहीं लगता है कि आपको फील्ड पे अपना गुस्सा काबू में रखना चाहिए। तो इस पर कोहली सर का रिप्लाई कुछ ऐसा था, I'm asking the answer. You need to find out exactly what happened and then come with a better question. You can't come here with half questions and half details of what happened. And also, if you want to create controversy, this is not the right place to be. I've spoken to the match referee, I had no issues with what happened, so. तो अब अगला वीडियो एक शो का है, जहां पर आमिर खान ने कोहली सर से उनका निकनेम पूछा, तो निकनेम से रिलेटेड कोहली सर ने कुछ इंसिडेंट भी शेयर किए। MS धोनी की वजह से नाम फेमस हो चुका है, धोनी साहब ने स्टंप माइक में बोल दिया, ओ तो ये लोग तो घर बैठे चीकू, अभी लोग मुझे ऐसे बुलाते हैं चीकू, एक फोटो जैसे पड़ोसी पड़ोस में रहते हो। तो नेक्स्ट वीडियो एक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर कोहली सर गुस्सा हो गए जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपके कैप्टेंसी में दो टेस्ट मैच हार चुके हैं। How many have we won? How many have we won? How many have you changed the lineup? 21 wins. Yeah. Two losses. Yeah. How many draws? How many in India? It doesn't matter. Wherever we play, we try to do our best. I'm here to answer your questions, we're not fight with you. तो अगली वीडियो भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब रिपोर्टर ने फिर से दूसरे प्लेयर को टारगेट किया और केप टाउन के पिच रिलेटेड सवाल पूछा। Can you count? But you know we are not complaining about Cape Town either. The game was finished in 3 days, one was a washout. So look, we are not complaining about pitches, we are not complaining about conditions, we have come here to play. As I said, we've had equal opportunities to win in both the games, and that's the positive we can take out of this. But I'm not sitting here comforting my guys, so I don't know what you're listening to, but I'm asking everyone to be hard on themselves. तो next video एक funny video है, जब कोहली सर गुजराती में बोलते हैं। We had a fantastic time, and Mr. Captain is. Hey, बाबू तारी bowling कमाल। अरे बाबू तुम्हारी bowling कमाल। ये विराट को नया गुजराती सीखने मिला है, तो हाँ ये चलो। तो अगली क्लिप एक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहाँ पर रिपोर्टर ने कोहली सर से ओपनिंग करते हुए दो बार जीरो पे आउट होने पर सवाल पूछा, तो कोहली सर ने उस पर फनी वे में रिप्लाई किया। IPL में सर मैं खेला था, ओपनिंग में मैंने 400 बनाए थे, तो तब किसी ने कुछ नहीं बोला, अभी मैच में रन नहीं बने तो वो प्रॉब्लम हो गई। हाँ एग्जैक्टली, सो दैट टाइम पीपल वर सेइंग सच अ रेवलेशन, ही इज ओपन द इनिंग्स, नाउ आफ्टर टू इनिंग्स
सर दूसरों पे भी फोकस करिए, टीम में 10 और लोग हैं, मैं सब कुछ कर लूंगा तो बाकी क्या करेंगे। तो अगली वीडियो एक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब कोहली सर से रिपोर्टर ने पूछा कि मिचेल जॉनसन आपको स्लेजिंग करते हुए क्या बोल रहे थे। जॉनसन ने well it was going on throughout the day, they were calling me a spoiled brat and I said maybe that's the way I am and I know you guys hate me and I like that. और फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली सर ने ये भी बोला कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना इतना पसंद क्यों करते हैं। I like playing against Australia because it's very hard for them to stay calm and I don't mind an argument on the field. It really excites me and brings the best out of me. So they don't seem to be learning the lesson. तो फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट सुनने के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि कोई टीम अगर अपना काम और कूल रखता है तो आप फिर उस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेंगे। तो इस पर कोहली सर का रिप्लाई कुछ ऐसा था। You enjoy playing these Australians because they can struggle to keep their cool, keep their calm. When you're playing a team that does keep their calm, do you then go looking for something to get yourself going? Well, you always have a few who can't keep calm in every team. So I have my targets. फिर उनसे एक रिपोर्टर ने ये भी पूछा कि वो क्या मिचेल जॉनसन का रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस पर कोहली सर का रिप्लाई बहुत ही लाजवाब था। Respect Mitch Johnson? Do you respect the Australians? I respect quite a few of them, but someone who doesn't respect me, I've got no reason to respect him. There were words in Adelaide as well where they said no unnecessary respect for him. I said I don't need it. तो अगली वीडियो एक फनी वीडियो है, जब कोहली सर एक शो ब्रेकफास्ट विद चैंपियन में हार्दिक सर और पंजाबी सॉन्ग के बारे में बात कर रहे थे। पंजाबी म्यूजिक चलता है सिर्फ चेंज रूम में, क्योंकि आईपॉड ज्यादा लोग लाते नहीं। हार्दिक पांड्या के पास आईपॉड है, उसमें सारे इंग्लिश गाने हैं, उसको एक भी गाने के 5 वर्ड भी नहीं आते, उसको बस बीट चाहिए और वो बस हिलता रहता है, तो उसके गानों से हम इरिटेट हो जाते हैं। बचा मेरा आईपॉड, मेरे आईपॉड में पंजाबी गाने, कभी कभी हिंदी रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं, लेकिन बाकी पंजाबी। माहौल थोड़ा लाइवली रखना पंजाब। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो अगली क्लिप एक इंटरव्यू की है, जब उनसे पूछा गया कि वो अपने फादर के डेथ के समय कैसे रिएक्ट किए थे और उस समय वो क्या सोच रहे थे। नाउ आई फील लाइक इट वाज प्रोबेबली द मोस्ट इंपैक्टफुल थिंग दैट हैपेंड इन माय लाइफ, बिकॉज़ आई रिमेंबर दैट डे आई केम बैक फ्रॉम द गेम। आफ्टर आई गॉट आउट आई केम बैक टू डू द क्रिमेशन एंड ऑल द रिचुअल्स दैट फॉलो, एंड आई रिमेंबर टेलिंग माय ब्रदर स्पेसिफिकली दैट I am going to play for my country and I am going to play this game at the highest level and there's nothing else in life that can distract me anymore. जवाब दिए तो वो एक बेहतरीन और लेजेंड है, आपको पता ही है कि कितने बेहतरीन बैट्समैन है, और अभी भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है तो उस पर भी हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेके आए हैं। आज पहला दिन है उनका मैच का और मैच अभी चालू है जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर इसकी कोई वीडियो आएगी तो वो भी हम आपके लिए जल्दी से लेकर आएंगे। लेकिन सची में विराट कोहली ने अपना बहुत ज्यादा मेहनत की है, उन्होंने बचपन से लेकर अभी तक वो मेहनत ही कर रहे हैं, ऐसे ही उनको इतनी और इतना मुकाम नहीं मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही उनकी जो ये लास्ट पे बात करेंगे कि जब ये फादर की उन्होंने बताया डेथ पे, तो ये बहुत ही, अगर आप पर्सनली आप अपने पे वो सिचुएशन लाकर देखें और सोचें तो वो कितना एक हार्ड टाइम होता है, तो वो इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, उसे हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की, दिल नहीं करता, हिम्मत नहीं होती, जस्ट के अकेले ही रहना का दिल करता है कि हम ना किसी कमरे में अपने आप को बंद कर लें और वहाँ कोई भी ना आए, बट इनकी बहुत ही हिम्मत है, इन्होंने उससे अगले दिन ही जाकर बहुत ही अच्छा दिल से खेला और इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इतना ज़्यादा अभी तक उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतना अच्छा खेलते हैं। सची में पहले इन पे बहुत ज़्यादा बुरा टाइम रहा है, खेला नहीं था, बहुत ही बुरा टाइम रहा, लेकिन
लेकिन बुरे टाइम पे ना अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, और फैंस भी मुझे समझ में नहीं आता कि फैंस ऐसा क्यों करते हैं। नहीं, लेकिन जो ट्रू क्रिकेटिंग और ट्रू लव फैंस होते हैं ना, वो नहीं छोड़ते, बट जो होते हैं ना कि जस्ट जब उन्होंने अच्छा खेला तो ठीक है उनके साथ है, लेकिन बुरा तो वो उन्होंने इन्होंने ना, मैंने इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी हो, कि शिकवा किया लाइक के जब मुझ पर ऐसा वक्त चल रहा था या मैंने कैप्टनसी छोड़ी, जब कैप्टनसी जो तो मुझे किसी ने फोन कर कुछ भी नहीं कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही चीज से फर्क पड़ता है, सिवाय धोनी ने बस मैसेज दिया, मुझे फोन किया था, बट उनके अलावा नहीं, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा उस चीज से, ये मेरा मतलब इनसे, सच्ची में बहुत ज्यादा बुरा लगता एक है। आप इंडिया टीम के कैप्टन है, पूरी इंडिया के आप कैप्टन है, तो जब वो आप कप्तानी छोड़ते हैं तो वो कोई होते हैं ना कि फोन करते चले कोई नहीं, हौसला अफजाई कुछ भी है, बट वो कह रहे थे किसी ने फोन नहीं किया, तो लाइक आप टीम में इतनी देर से कि जब एक प्लेयर के साथ खेलते हैं तो आपकी इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, तो फिर भी अगर ऐसा ना हो तो फिर बहुत दुख होता है, हाँ बुरा लगता है कि यार हमने इसके साथ इतना अच्छा खेला, इनका लिए इतना कुछ किया, टीम को वो इतनी देर तक संभालते रहे और इन्होंने इतने अच्छे रिप्लाई दिए कि ये बैकबोन है अभी भी टीम की, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि कुछ नए प्लेयर्स आ गए हैं और वो भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी वो अच्छा करेंगे, बट इन्होंने बहुत ही देर तक, एक टाइम था कि जब ये आउट ही नहीं होते थे, इतने ज्यादा रन बनाते थे किसी भी फॉर्मेट में आप लगा लें, बट अभी जब आपको पता है कि एक वक्त होता है जब आप बहुत ही अच्छा ना होता है आप पे, वो वक्त आप वहाँ जो भी वो काम करते हैं ना आप उसमें सफल रहते हैं, कभी कभी इंसान पे बुरा वक्त भी आ जाता है, लेकिन उस पे भी इंसान खड़ा रहे टिका रहे तो फिर वो भी खत्म हो ही जाता है एक ना एक दिन, और बहुत ही अच्छा खेलते हैं, हम इनके दिल से फैन हैं, और इधर और भी जो लोग हैं बहुत ही इन्हें पसंद करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि वो शायद इंडिया से हैं तो वो नहीं, बहुत ही अच्छा उन्हें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं इनको, बहुत पसंद कर लड़कियां भी यहाँ पे खासतौर पर इनको बहुत, विराट कोहली को वहाँ पर इनका जो एग्रेशन है जो गुस्सा ये फील्ड में जब वो इसके बहुत फैन है, और इसी वजह से इनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग और बहुत ही लोग पसंद करते हैं, और इनमें टैलेंट भी काफी सच्ची में, बहुत ज्यादा मजा आया वीडियो देखकर, उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो पसंद आएगी, अगर आप लोग विराट कोहली के फैन हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग और मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं हमारा नीचे दिया गया आपको लिंक बोल रही हूँ, ईमेल मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप लिंक्स भेज सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपकी रिक्वेस्ट में वीडियो जरूर लाएंगे, तो फिर मिलते हैं आपको एक और वीडियो में।